और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं के हित में बहुत बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को मामले की जांच सौंपी गई है और परीक्षा में लापरवाही करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। अब 6 महीने के अंदर परीक्षाएं दोबारा की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लग रहा था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है और परीक्षा ही रद्द कर दी है। और यहाँ पर अभ्यर्थियों में खुशी की लहर यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि लगातार पेपर लीक को लेकर नाराजगी अभ्यर्थियों के बीच में थी। स्टूडेंट्स लगातार यहाँ पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया में कई प्रमाण उनकी तरफ से दिए गए, लेकिन अब जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट भी किया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 महीने के अंदर ही पुनः परीक्षा करवाने के आदेश दिए गए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। और योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान करते ही उत्तर प्रदेश में युवाओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। जिन अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही बनने के लिए परीक्षा दी थी, पेपर के रद्द होते ही वो सड़कों पर जश्न मनाने लगे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एसटीएफ को मामले की जांच सौंप दी गई है और 2023 की जो परीक्षाएं उन्हें निरस्त कर दिया गया। 6 महीने के अंदर एक बार फिर से परीक्षाएं होंगी और आप देखिए जो अभ्यर्थी थे खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि यही अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि पेपर लीक हो रहे हैं। और ऐसे में अब बड़ा एक्शन भी लिया गया इस पूरे मामले को लेकर और ये परीक्षाएं जो है उन्हें निरस्त कर दिया गया। अब 6 महीने के अंदर दोबारा से ये परीक्षाएं होंगी। आपको बता दें योगी सरकार का ये बड़ा एक्शन इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षाएं हुई थी, उसके बाद से ही लगातार अभ्यर्थी जो है वो सोशल मीडिया से पेपर लीक होने के आरोप लगा रहे थे। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा था, सबूत भी उनकी तरफ से पेश किए गए थे, प्रमाण भी पेश किए गए थे, जिसके बाद लगातार अब जो है सरकार इस पूरे मामले में एक्शन में आई है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और ऐसे में अब आपको बता दें अभ्यर्थियों की तरफ से, क्योंकि कल तक जो ये अभ्यर्थी थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए, क्योंकि लीक होने को लेकर इनमें नाराजगी थी, आज खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है और छात्रों की जो डिमांड थी री एग्जामिनेशन की उससे पूरा कर दिया है। अब 6 महीने के अंदर पुलिस भर्ती मामले पर दोबारा एग्जामिनेशन होगा। मेरे साथ कई छात्र यहां पर मौजूद है, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने ये बड़ा फैसला लिया है? मुख्यमंत्री ने कहा है कि छात्रों के हित में ये फैसला लिया जा रहा है जी। हमें बहुत ही खुशी, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए आज एक नया त्यौहार है। हमारी जो दो दिन की भूख थी वो इस खुशी से और माननीय सीएम जी के इस नतीजे की वजह से, मतलब उनके इस फैसले की वजह से वो भूख हमारी मिट गई चुकी है। भूख मिट गई, आप बता रहे थे कुछ। बिल्कुल नया जीवन मिल गया हम लोग को। हम लोग पहले से इतना प्रैक्टिस किया और पेपर लीक हो गया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई थी। और हमारे कुछ सर हैं अध्यापक हैं जिनकी वजह से हमारा जिंदगी फिर से दोबारा खिल उठी है। फिर हम तैयारी करेंगे, फिर लड़ेंगे भारत माता की, भारत माता की। साफ तरीके से देख पा रहे हैं यहाँ पर अभ्यर्थियों के क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि सरकार ने जो भी फैसला उठाया है, इतने सारे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं उनके हित में उठाया है, ताकि बेरोजगारी तो है ये, इसके खिलाफ भी सरकार को और वैकेंसी लानी चाहिए। मैं यही कहूँगा सरकार और जाहिर तौर पर दोबारा